वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेनरा एडवांस एजुकेशन। और हम पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव। इससे पहले हम पांच पार्ट एक्टिव पैसिव के देख चुके हैं, ये सिक्स पार्ट है। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब चेंज करते हैं तो मैंने इसमें एक निशान लगा रखा है राउंड, यानी इस टेंस को इसी के अंदर चेंज करते हैं। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब को इज एम आर में ही चेंज करते हैं, लेकिन साथ में बींग और थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस इस टेंस के देखते हैं आज। सबसे पहला सेंटेंस है ही इज रीडिंग ए बुक। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, रीड वर्ब है और ए बुक ऑब्जेक्ट है। इसको जो हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ये पहला नियम है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और बींग और वर्ब की थर्ड फॉर्म बताएंगे। ये हो जाएगा ए बुक, ए बुक के साथ इज लगता है। ए बुक इज बींग रेड बाई हिम। क्लियर बच्चों? ए बुक इज बींग रेड बाई हिम। सेकेंड सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, प्ले वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले आए क्रिकेट, और क्रिकेट के साथ क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब? इज, क्रिकेट इज नॉट। यहाँ पर बी लिखा है, बी गलत है, बींग होगा यहाँ पर, बींग प्लेड बाय मी। क्रिकेट इज नॉट बींग प्लेड बाय मी, क्रिकेट इज नॉट बींग प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा नहीं खेला जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज एक्टिव सेंटेंस। आर यू नॉट बाइंग वेजिटेबल। क्या आप वेजिटेबल नहीं खरीद रहे हैं? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। इज वेजिटेबल नॉट बींग बॉट बाई यू। क्या आपके द्वारा वेजिटेबल नहीं खरीदी जा रही है? नेक्स्ट सेंटेंस इज वाई इज ही नॉट टीचिंग हिज ब्रदर। वो अपने भाई को क्यों नहीं पढ़ा रहा है? वाई क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हिज ब्रदर। हिज ब्रदर को हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो हिज ब्रदर सिंगुलर है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई इज हिज ब्रदर नॉट बींग टॉट बाय हिम। उसके द्वारा अपना भाई क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? नेक्स्ट सेंटेंस इज एक्टिव सेंटेंस। हु इज नॉट हेल्पिंग यू। हु इज नॉट हेल्पिंग यू। कुछ पेंटिंग की मिस्टेक्स हैं जो सामने आ रही हैं। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, इस हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, और हु को बाय हुम में चेंज कर देते हैं। बाय हुम, अब ऑब्जेक्ट क्या है? यू, यू के साथ आर लगता है। बाय हुम आर यू नॉट हेल्प्ड। बाय हुम आर यू नॉट बींग हेल्प्ड। बाय हुम आर यू नॉट बींग हेल्प्ड। किसके द्वारा आपकी सहायता नहीं की जा रही है? बच्चों कुछ सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको बनाने हैं। राहुल इज नॉट राइटिंग ए लेटर। राहुल पत्र नहीं लिख रहा है। आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी। मैं हॉकी नहीं खेल रहा हूँ। वाई इज़ योर ब्रदर नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। आपका भाई कपड़े क्यों नहीं धो रहा है? इज़ योर सिस्टर नॉट रीडिंग द रामायण। क्या आपकी सिस्टर रामायण नहीं पढ़ रही है? हु इज़ नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। और गीत कौन नहीं गा रहा है? इन पाँचों सेंटेंसेस को आप बनाने की कोशिश करें। थैंक यू।